अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फिंगर फिश फ्राई। मैं आपसे मसाला शेयर करूंगी उसका, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल मसाला है, ठीक है। उसके अंदर हम एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी उसके अंदर। तो मैंने ये फ़िश को कांटे निकाल के, हड्डी होती है ना उसकी, वो निकाल कर और ये छोटे पीसेस में करवा लिया था। ईजी बच्चों के लिए ईजी हो जाता है खाना आराम से, वो भी कांटे आते हैं बच्चों को निकालने पड़ते हैं तो नहीं करते। इस तरीके से जो है ना, मेरे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और ये इसके अंदर ना आपने सिरका लगाना है और नमक डालकर उसको हाफ आवर तक छोड़ देना है। और उसके बाद जब आप इसको हाफ आवर बाद देखेंगे तो हल्का सा वाइटनेस में आ गई होगी। तो उसके बाद जो है फिर आपने इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना, क्योंकि हमारे पास समंदर की मछली होती है, कराची में रहते हैं हम, तो आपको पता ही गाइस समंदरी मछली थोड़ी सॉल्टी ही होती है। तो इसलिए आपने नमक अच्छे से धो लेना है, क्योंकि आप फिर मसाला लगाएंगे उसके अंदर भी नमक ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे अब अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद उसको हम अच्छे तरीके से एक एक मछली के अंदर आप इसको लगा लेंगे, ताकि अच्छे से अदरक लहसुन जज्ब हो जाए इसके अंदर और जो इसकी हल्की स्मेल आ रही होती है वो भी जो है वो निकल जाए मछली की। तो आप देख रहे होंगे मैं एक एक फ़िश को जो है अच्छे तरीके से इसमें पेस्ट मल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शान का मछली मसाला, ये वैसे तकरीबन पूरा ही होता है। इसके बाद ज़्यादा और चीज़ें डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मिक्स है सब सामान इसके अंदर, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स होते हैं। और फिर भी अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक वगैरह ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये डालूँगी बेसन फॉर बाइंडिंग, ठीक है। बेसन से ज़रा अच्छी सी क्रिस्पनेस आ जाती है और सारा मसाला जो है वो अच्छे से फिश पे चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद डालेंगे ज़रा सा सिरका, ठीक है। इसके अंदर ज़रा सिरका डाल के, अगर चाहें तो उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने सिरका डाल दिया टेस्ट। ओके बेसन, अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जो है लाल मिर्च भी ऐड की है, और अब इसको फिर उसके बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों से। फिर हम इसको किक करके जो है वो फ्राई कर लेंगे, और हमारी मज़ेदार सी रेडी है फिश फ्राई।